से तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्योंकि मैंने फ्रिज से जूस निकाला, उसे पिया और बोतल में पानी भर दिया। अच्छा, तो तुमने ये भी किया है? तुम्हें मालूम नहीं वो जूस कितना महंगा है? सिर्फ मेहमानों के लिए रखा हुआ था। तुम जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। अब गई नहीं। शिनचैन, तुम्हें ऐसे किसी के घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, मुझे तो बता ही नहीं था। गेट क्या, मैं घर के अंदर आ जाऊँ? आ जाऊँ, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अब चलो अंदर। कट 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 करो। चलो एक बार थोड़ा डायलॉग फास्ट बोल के दिखाओ। ए बच्चे, क्या तुम चुपचाप होके नहीं बैठ सकते? थोड़ा मुश्किल है। ओके, अगला बच्चा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सेविंग ऐसे की जाती है क्या? देखो मेरे कॉस्मेटिक्स को हाथ मत लगाना, कह दिया मैंने। बेटा, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारी मॉम को इतने महंगे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए? अरे वाह, आप तो समझ गए डैड। अरे समझदार तो मैं बहुत हूँ बेटा, इस घर में मेरी कद्र जरा कम होती है बस। देखो शिनचैन, मेरे ख्याल से तुम सेविंग का मतलब ठीक से नहीं समझ पाए हो। आप क्या? शिरू हमेशा मुझे फंसा देता है। पता नहीं मेरे जूते कहाँ फेंक कर आ गया। अब मुझे मॉम से कितनी डांट पड़ने वाली है। शिरू, तुमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, समझे? काम अच्छे ढंग से हो गया। वाह, क्या आपने सब देखा? शिनचैन, कल से तुम टाइम पर तैयार होकर बस में आना, समझ गए? मैं रोज रोज तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकती। मैं तो इसीलिए तैयार नहीं होता कि इसी बहाने आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है मैम। भैया, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझ गए? अरे गर्मावा, बड़ी अजीब बात है, आखिर से इसी को हो क्या गया है? इतनी गर्म हवा आ रही है इससे। डैड, ये आप सुबह सुबह क्यों इतनी जोर से बात कर रहे हैं? इतनी गर्मी में तुम कैसे सो सकते हो शिनचैन? आपको देखकर तो आइसमैन को भी गर्मी लगेगी। अच्छा, तो आप कौन सा गेम खिलाएंगे? वैसे बच्चों, तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कोई गेम खेलना भी नहीं आता। तो ये बात है। वैसे मुझे गाना गाना आता है। हमें आपका गाना नहीं सुनना है, हमें खेलना है। शिनचैन, कैन से खेलना बंद करो, तुम्हें चोट भी लग सकती है। ठीक है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस कैन का क्या करने वाले हो? मैं इसे डस्टबिन में फेंकूंगा। बिल्कुल सही कहा। और बताओ तुम ये कैसे करोगे? बच्चों पर गुस्सा नहीं करते। बताओ तुम वापस आकर क्या खाना पसंद करोगे? बर्गर या नूडल्स? मैं पसंद करूंगा एक किडी लंच के साथ एक एक्शन कामिन का सेट। हाँ, एक्शन कामिन का सेट? लेकिन मेन्यू में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पीछे वाली खिलौने की दुकान पर है। ये रहा मॉम, इधर देखो। आखिर इसने ये दुकान देखी? एंड बाथरूम जाना है? नहीं चाहिए। मेरा मतलब तुम्हें बाथरूम तो नहीं जाना है? नहीं। सच कह रहे हो ना शिनचैन? मूवी के बीच में मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। ठीक है। आम दिनों में तो ये हॉल कितना खाली रहता है। सुनिए मॉम, अब क्या है? बाहर जाना है। हेलो, क्या बात है शिनचैन, कोई काम है क्या? सुनिए मैम, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो
बाथरूम में लगाने वाले फ्रेशनर की खुशबू है। मैं इसे खास आपके लिए लेके आया हूँ मैम। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा तोहफा दे दूंगा। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे तुमने विश किया यही काफी है। मैम अब चाहे तो मैं आपके लिए कुछ और भी लेके आ सकता हूँ, कोई खिलौना या फिर चॉकलेट चिप। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मेरी डैडी मुझे जगा दिया। मैंने तुमसे मना किया था कि गोभी की सब्जी मत बनाना। तुम गलत समझ रहे हो, पहले मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना, मैं बाहर जाकर खाना खाऊंगा। और कोई नहीं जानता क्या? नैनी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? शायद एक बड़ा टैडपोल। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि एक टैडपोल बड़ा होकर मेंढक बन जाता है। तुम कमाल के हो कजामा, ये बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी तारीफ मत कीजिए। पानी से बाहर निकालोगे तो उसे कुछ भी हो सकता है। मेंढक तो पानी से बाहर रहते हैं। लेकिन जब तक टांगी नहीं निकलती तब तक ये पानी में ही रहते हैं। चलो अब जल्दी से वापस इसे पानी में डाल दो शिनचैन। अरे वाह, मैंने तो सिक्सर लगा दिया।